डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम आरगोर का में जो चैप्टर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट है वो कौन सा होगा। तो सारे ही एस्टिमेट्स को एक बार हम देख लेते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जो कि एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। इसके तीन मेथड हो सकते हैं। एक होता है यूनिट रेट एस्टिमेट, एक प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और एक क्यूब रेट एस्टिमेट। दूसरा होता है डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, जो कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बाद पेयर किया जाता है। जब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है वो अप्रूव हो चुका है, उस स्टेज पे किया जाता है। इसमें प्रॉपर हर एक जो आइटम है उसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी, उसकी क्या इंडिविजुअल कॉस्ट होगी, पूरा डिटेल में प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा रिलायबल होगा डिटेल एस्टिमेट। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए है कि यहाँ पर जो आइटम ऑफ वर्क दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है, प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करते हैं। और प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये कोई रूम है तो आउटर डायमेंशन ली जाती है यहाँ पर, और जो भी ओपन एरिया या कोर्टयार्ड का एरिया है वो सारा का सारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। उसके बाद क्या एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कि सेम इस टाइप का कोई दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं क्या। तो वहां पर देखते हैं कि पर यूनिट एरिया क्या कॉस्ट आई है, और उसी कॉस्ट को यहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है इससे प्लिंथ एरिया इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कोर्टयार्ड एरिया है वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो ई होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण रिवाइज्ड एस्टिमेट कब प्रिपेयर किया जाएगा, जब जो सैंक्शन अमाउंट है उससे कितना ज्यादा एक्सीड हो गया है जो एस्टिमेट है, टोटल कॉस्ट है वो। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, जो सैंक्शन एस्टिमेट है उसके 5% से ज्यादा अगर कॉस्ट में चेंज हो रहा है, उस केस में रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये एक्सीड हो रही किसी भी कारण से हो सकता है, प्राइस लेवल में चेंज के कारण हो सकता है, कोई अल्ट्रेशन कर रहे हैं आप स्ट्रक्चर में, कुछ चेंजेस कर रहे हो उसके कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिए है कि जब प्रिपेयर करते हैं हम डिटेल एस्टिमेट को, तो कौन कौन से फैक्टर्स लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट से बहुत केयरफुली प्रिपेयर किए जाते हैं, जो भी आइटम वर्क है उनमें हर एक की कॉस्ट डिटेल में कैलकुलेट की जाती है। और ये तब किया जाता है जब प्रॉपर ड्राइंग वगैरह में पूरे स्ट्रक्चर की हो, तो हम निकाल पाएंगे कि कितना ब्रिक्स यहाँ पे यूज होंगी, कितना मोर्टार लगेगा, सीमेंट लगेगा, और इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे, जो मटेरियल यूज हो रहे हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी क्या है मटेरियल्स की, क्या आसपास है या कहीं दूर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो, साइट की लोकेशन क्या रहेगी, लोकल लेबर चार्जेस क्या है, ये सारे के सारे डिटेल्ड एस्टिमेट को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो आरगोर की बुक में हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें तीन चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और मोस्टली भी ऑल ऑफ द वो ही करेक्ट होता है। बट आप एक बार गो थ्रू होते हैं उस क्वेश्चन से तो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर भी आंसर ऑप्शन ई ही है। फर्स्ट में दिए है कि कुछ डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, इनको कंटिंजेंसी बोला जाता है। बी में दिया है कि कुछ एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होगा वर्क साइट पे, इसको बोला जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। सी में दिया है कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं क्वालिटीज को, क्वान्टिटीज को, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल टू बी यूज फॉर पर्टिकुलर आइटम। डी में दिया है कि कोई यूनिट है वो जिस रेट से प्रोक्योर कर सकते हैं ओपन मार्केट में, उसको कॉस्ट जो है उसको बोला जाता है मार्केट रेट। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है
उसका जो एस्टिमेट होगा उसके सब हेड क्या क्या होंगे। तो कहीं पर भी हमें डिटेल एस्टिमेट फाइंड करना है तो जो हेड ऑफ द वर्क है उसको हम डिवाइड करते हैं सब हेड्स में, ताकि हम हर एक सब हेड है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें इंडिविजुअली और उसके बाद उनको ऐड कर देते हैं। क्या सब हेड हो सकते हैं? जैसे कि अर्थवर्क है, उसका हमने अलग से कैलकुलेशन किया, कॉन्क्रीट का अलग से किया, ब्रिक वर्क का अलग से किया। तो क्वेश्चन में पूछा कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से सब हेड यहाँ पर हो सकते हैं। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें अर्थवर्क भी होगा, कॉन्क्रीट वर्क भी होगा, ब्रिक वर्क भी होगा, स्टोन वर्क भी होगा, रूफिंग भी रिक्वायर्ड होगा, ब्रिक वर्क फ्लोरिंग होगा, वुड वर्क भी होगा, स्टील का कुछ ना कुछ वर्क भी होगा, प्लास्टिंग पॉइंटिंग ये सब भी होगा, ये होगा यहाँ पर सारे ही सब हेड्स होंगे उसके। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक प्लिंथ एरिया होता है, एक फ्लोर एरिया होता है और एक कारपेट एरिया होता है। किसी भी प्लॉट में जो बिल्डिंग का टोटल एरिया है उसको बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया बोला जाता है। किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टोरी पे जो हम मेजर करते हैं तो आउटर डायमेंशन यहाँ पर लेते हैं, सारे इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्स को हम इंक्लूड करते हैं और इस तरीके से जो एरिया निकल के आता है वो होता है प्लिंथ एरिया। दूसरा होता है फ्लोर एरिया, जिसमें से जैसे कि ये कोई रूम है तो प्लिंथ एरिया में तो हम पूरा का पूरा एरिया लेंगे ये, जबकि फ्लोर एरिया की अगर हम बात करें तो जो वॉल्स का एरिया है इसको हम डिडक्ट कर देंगे। ये जो मैं येलो कलर में शो कर रही हूँ जो वॉल का एरिया उसको डिडक्ट कर देंगे प्लिंथ एरिया में से। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें रूम्स का एरिया इंक्लूडेड होगा, एंट्रेंस हॉल इंक्लूडेड होगा, वरांडा, स्टोर ये सब इंक्लूडेड होंगे। थर्ड होता है कारपेट एरिया, इसमें जो भी नेट यूजफुल और लिवेबल फ्लोर स्पेस है वही कंसिडर होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जितने एरिया में हम कारपेट बिछा सकते हैं वो कारपेट एरिया होगा। तो प्लिंथ एरिया में से हम वॉल एरिया, वरांडा का एरिया, कॉरिडोर का एरिया, एंट्रेंस हॉल्स का एरिया, स्टेयर केस और स्टेयर कवर का एरिया ये सब डिडक्ट कर देंगे तो कारपेट एरिया आएगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ए में दी है कि बिल्टअप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया, करेक्ट है। बी में दिए है कि यूजेबल जो कवर्ड एरिया होता है उसको कारपेट एरिया बोला जाता है। सी में बोला है कि जो फ्लोर एरिया है उसमें जो वरांडा का एरिया हटा देते हैं कारपेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग है ये क्या इंक्लूड करता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, वॉल्स का एरिया प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है, पर स्टेयर कवर जो है इसको ममटीज भी बोला जाता है, इसका एरिया इंक्लूड नहीं किया गया प्लिंथ एरिया में। कुछ बुक्स में है रेफरेंस इसका। इंटरनल साफ्ट एरिया है ये इंक्लूडेड है, लिफ्ट और वॉल भी इंक्लूडेड है, लैंडिंग भी इंक्लूडेड है, कैंटिलीवर पोर्च है, ये डिपेंड करता है कि कवर्ड है या अनकवर्ड है। मोस्टली जो अनकवर्ड एरिया है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ई दिया है बट मुझे बी भी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए है कि कारपेट एरिया है वो कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं करता है। तो ये IS कोड की पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है। द कारपेट एरिया शैल बी द एरिया वर्कड आउट एज 5.1, जिसमें कि ये एरिया हम डिडक्ट करेंगे वरांडा का, कॉरिडोर, एंट्रेंस हॉल, स्टेयर केस और स्टेयर कवर, साफ्ट एंड मशीन रूम, किचन एंड पेंट्री, बाथरूम। तो ये सारे के सारे डिडक्ट करते हैं, इंक्लूड नहीं होते कारपेट एरिया में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए है कि बालकनी अगर कहीं पे है तो उसका एरिया फ्लोर एरिया में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि बालकनी है वो प्रोटेक्टेड है प्रोजेक्शन से या नहीं है, कि उसके ऊपर छत है या नहीं है। अगर वो ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो 50% एरिया इंक्लूड करेंगे और अगर है तो 100% करेंगे। तो यहाँ पर आंसर ये है सेकेंड वाले केस के अकॉर्डिंग, बट आई थिंक यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। अभी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। आंसर ऑप्शन ए ही होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट में दिए है कि कोई वर्क है उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कंटीजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, टूल एंड प्लांट्स, इसको बोला जाता है वर्क वैल्यू। बेसिकली उसकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है उसको वर्क वैल्यू बोला जाता है। ये सारी चीजें बाद में ऐड करते हैं हम उसमें। वर्क वैल्यू क्या होता है?
टोटल अमाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल आइटम्स ऑफ वर्क प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट, जो भी उसमें लग रहे हैं मटेरियल्स, जो लेबर लग रहे हैं, उन सबकी जो कॉस्ट मिला के है वो वर्क वैल्यू है. बी में दिए हैं द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कम्प्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेवलिंग चार्जेस इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट. तो जो एक्चुअल उस पर कितना खर्चा आएगा जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के, ट्रेवलिंग के, इंसिडेंटल, ये सारे सारे चार्जेस इंक्लूड करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट होता है. और सी में दिया है कि जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, जो उतना एक्सपेंडिचर है उस प्रोजेक्ट का, उसका जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोला जाता है. और उसका जो ऑर्डर निकलता है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सैंक्शन करती है प्रॉपर्टी डिटेल्ड एस्टिमेट कि किसी वर्क की कितनी कॉस्ट होगी या फिर रिपेयर का जो एस्टिमेट है वो, तो उसको टेक्निकल सैंक्शन बोला जाता है. तो टेक्निकल सैंक्शन होता है कि जो ऑर्डर निकलता है उसमें जो कॉस्ट ऑफ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ऑफ वर्क ऑफ रिपेयर है वो होता है टेक्निकल सैंक्शन. तो ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 12th में दिए है कि जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटीज का, तो मीट्रिक यूनिट कौन सी होगी इनमें. तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है. बुक में जो इसका आंसर दिया है वो आई थिंक ई दिया है, बट जो मीट्रिक यूनिट होती है उनमें लेंथ की होती है मीटर, जो पहले फुट होती थी, एरिया की होती है स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की हो गई. किलोग्राम वेट की होगी और लीटर हो गई कैपेसिटी की. अब यहाँ पे ए में दिया मीटर फॉर लेंथ तो ये भी करेक्ट है, बी में दिया क्यूबिक मीटर फॉर एरिया तो ये गलत हो गया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर. सी में दिया स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, ये भी गलत हो गया क्योंकि वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब. किलोग्राम फिर फॉर वेट ये भी सही है, लीटर फॉर कैपेसिटी ये भी सही है, ए भी सही है. तो तीन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलर ब्रिक की एक्चुअल साइज क्या होगी. ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है. जो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज जो है वो है 19 सेमी × 9 सेमी × 9 सेमी एक्चुअल साइज, और मोटर अप्लाई करने के बाद जो नॉमिनल साइज होगा वो होगा 20 सेमी × 10 सेमी × 10 सेमी. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि कहीं पर हमें डायमेंशंस बुक करनी है तो किस ऑर्डर में होती हैं ये. तो ये इस तरीके से होती हैं सीक्वेंस में कि पहले लेंथ लिखते हैं, उसके बाद ब्रेथ, उसके या फिर विड्थ भी बोलते हैं जिसको, और थर्ड होती है हाइट या फिर डेप्थ बोलते हैं जिसको. तो यहाँ पर ए होगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्वेश्चन नंबर 15 में दिए हैं कि ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका रेट ऑफ पेमेंट होता है वो परसेंटेज में होता है. परसेंटेज में मतलब जो रेट लिखी होगी वो 100 क्यूबिक मीटर की लिखी होगी कि 100 क्यूबिक मीटर का फॉर एग्जांपल अर्थवर्थ हो गया तो उसकी रेट है ये मान लिया 3000 है, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का तरीका है. और कहीं पर भी अगर अर्थवर्थ है मान लिया फॉर एग्जांपल तो कोई 1-2 मीटर क्यूब तो होगा नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट होंगे कुछ, तो इसलिए वहां पर ये 100 क्यूबिक मीटर का रेट लिखा होता है. तो कहीं पर अर्थवर्क है एक्सक्वेशन में उसका परसेंटेज में होता है रेट परसेंटेज क्यूबिक मीटर में. रॉ कटिंग का भी सेम होता है, मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब में होता है और रेट होता है वो परसेंटेज क्यूबिक मीटर में होता है. एक्सक्वेशन इन ट्रेंचेज और अर्थवर्क इन फिलिंग का भी सेम ही रहेगा. तो ये हो जाएगा आंसर, सबका ही मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है और पेमेंट होता है वो परसेंट पर परसेंट क्यूबिक मीटर में होता है. आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.